हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको 2018 के हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे गए हरियाणा की जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस पहले के पेपरों में बहुत ही कम पूछे गए हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपने पहले कम पढ़े होंगे और ये आपके क्विक रिविजन है। यानी आपका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, इसके चार ऑप्शंस होंगे, इसलिए आप उन चार ऑप्शंस में से आंसर देने की कोशिश जरूर करें। जैसे ही आप क्वेश्चन सुनते हैं, आप उसका आंसर देने की कोशिश करें। और नए पैटर्न के अनुसार हरियाणा के पेपरों में इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप हमारी डेली इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोज को भी जरूर देखें, ताकि आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की अपडेट पा सकें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होती आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आपका पहला क्वेश्चन है, भिवानी जिले में किस स्थान पर रक्षाबंधन पर बाबा खेरेवाला मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा, बाबा खेरेवाला मेले का आयोजन नौरंगाबाद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, जल संरक्षण मिशन 2001 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा तेज सिंह का महल एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है मुगल चित्रकारी का, राजपूत चित्रकारी का, म्यूरल चित्रकारी का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर आएगा, राजपूत चित्रकारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा अहीर महिला की वेशभूषा में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है लहंगा, ओढ़नी, ठेल, अंगिया। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही पेयर मैच करना है। पहला ऑप्शन है सुरेंद्र शर्मा लेखक, नेक्स्ट है तुलसीदास शर्मा उर्दू कवि, नेक्स्ट ऑप्शन है अयोध्या प्रसाद गोयलिया उर्दू कवि, नेक्स्ट ऑप्शन है संतोष यादव उपन्यासकार। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, अयोध्या प्रसाद गोयलिया उर्दू कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां हरियाणा दिवस किसे समर्पित था? तो इसमें आंसर आएगा, 52वां हरियाणा दिवस जल संरक्षण को समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड विधि विधेयक पारित होने के पश्चात हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्युदंड का प्रावधान देने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो इसमें आंसर आएगा, तीसरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के उद्भव स्थल यानी बर्थ प्लेस ऑफ विच डायनेस्टी के रूप में हरियाणा को जाना जाता है? तो इसमें आंसर आएगा, भारत वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कैथल जिले के बंदराणा गांव के कौन 1980 से सर्कल कबड्डी के कोच हैं? तो इसमें आंसर आएगा, राम सिंह पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए है? तो इसमें आंसर आएगा, संत गुरु रविदास सहायता योजना छोटे कारीगरों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के मोरनी और पिंजौर के पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है, इस सेवा का क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा, इसका नाम है आरोग्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें हैं? तो इसमें आंसर आएगा, 50 उप तहसीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनें मूलतः हरियाणा की कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, तानसी और नुनगशी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की आंचल मुंजाल ने बॉलीवुड के निम्न में से कौन सी मूवी में काम नहीं किया है? आपके ऑप्शन हैं वी आर फैमिली, आरक्षण, घायल वंस अगेन और राजनीति। तो इसमें आंसर आएगा, ऑप्शन डी, राजनीति। और आंचल मुंजाल हरियाणा के हिसार जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोला फेंक में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा, गोला फेंक में इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा ऑफलाइन क्लब संचालित करता है? आपके ऑप्शन है हिसार एविएशन क्लब, पिंजौर एविएशन क्लब, करनाल फ्लाइंग क्लब और यह सभी। तो इसमें आंसर आएगा, ऑप्शन डी, ये तीनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा चंडी मंदिर, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थान किस जिले में है? तो इसमें आंसर आएगा महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिताथल किस जिले में अवस्थित है? तो इसमें आंसर आएगा भिवानी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता यानी प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो इसमें आंसर आएगा आनंद स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष के लिए फरीदाबाद जिले की अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान का अनुमोदन किया है? तो इसमें आंसर आएगा 2031 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस किस जिले में स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा में कुल 154 कस्बे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इसमें आंसर आएगा संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की? तो इसमें आंसर आएगा हिसार शहर की स्थापना 1354 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म व्यक्तित्व निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इसमें आंसर आएगा निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा के गुड़गांव जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीरूट की फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें आंसर आएगा इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हरियाणा को भारत का कौन सा खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा पांचवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन जारी किया है जिसका नाम है? तो इसमें आंसर आएगा इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है किलकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कर्मचारियों के वेतन छठे और सातवें वेतन आयोग के संदर्भ में विसंगति को दूर करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आंसर आएगा इस आयोग के अध्यक्ष हैं जी माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना की शुरुआत की थी? तो इसमें आंसर आएगा चंडीगढ़ से थारी पेंशन थारे पास योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसमें आंसर आएगा सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें आंसर आएगा तब भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो इसमें आंसर आएगा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बुजियर किस देश के निवासी थे? तो इसमें आंसर आएगा फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के संदर्भ में कविता जैन किस विभाग से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा शहरी स्थानीय निकाय विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी शंकर प्रभाकर इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा देवी शंकर प्रभाकर सिनेमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी हरियाणा के मुक्केबाज है सिवाय आपके ऑप्शन है दिनेश कुमार, मनोज कुमार, संजय कुमार और जगदीश सिंह।
तो इसमें आंसर आएगा संजय कुमार को छोड़कर दिनेश कुमार, मनोज कुमार और जगदीश सिंह हरियाणा के मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसमें आंसर आएगा बाबा श्रवणनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सभी मुक्केबाज हरियाणा से संबंध रखते हैं सिवाय, आपके ऑप्शन है विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, महेश रावत और विकास यादव। तो इसमें आंसर आएगा महेश रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल मोचन मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो इसमें आंसर आएगा यह मेला अंबाला में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई? तो इसमें आंसर आएगा यह योजना वर्ष 2005-06 में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं था? आपके ऑप्शन है श्री बीडी गुप्ता, श्री बीडी शर्मा, श्री हुकुम सिंह और श्री चंद्रशेखर। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी, श्री चंद्रशेखर हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? तो इसमें आंसर आएगा तोमर राजा द्वारा सूरज कुंड का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आंसर आएगा 8 मई 1976 यानी 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग, आपके ऑप्शन है 140 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 125 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन बी 135 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी हरियाणा के पहलवान है सिवाय, आपके ऑप्शन है जगदीश सिंह, अनिल कुमार, रमेश कुमार, सुशील कुमार। तो इसमें आंसर आएगा जगदीश सिंह। जगदीश सिंह हरियाणा के मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसमें आंसर आएगा 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो इसमें आंसर आएगा जंतपाली महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आंसर आएगा एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा मैम में, मैम हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने हरियाणा का प्रवास कब किया? तो इसमें आंसर आएगा हेनसांग ने 7वीं सदी में हरियाणा का प्रवास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जींद जिले का जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा जवाहर सिंह डागर पटना पायरेट टीम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस कोच को वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो इसमें आंसर आएगा महावीर सिंह फोगाट को। और दंगल फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आंसर आएगा इसमें झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, ये तीनों जिले रोहतक पुलिस रेंज में आते हैं। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 1500 गांव में भौतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना सुविधाओं के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना किस बजट में प्रारंभ की? तो इसमें आंसर आएगा 2017-18 के बजट में यह योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 1 मई 2017 से पेट्रोल और डीजल के दैनिक मूल्य संशोधन के ट्रायल के लिए चुना गया था? तो इसमें आंसर आएगा चंडीगढ़ शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? तो इसमें आंसर आएगा गांधी ग्राम गासेड़ा गांव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी में टीट्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें आंसर आएगा टीट्स की स्थापना 1943 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहलवान अमित को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा 2016 में अमित को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेत्री आंचल मुंजाल हरियाणा के किस जिले से जुड़ी है? तो इसमें आंसर आएगा आंचल मुंजाल हिसार जिले से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणवी रामायण की रचना खुदाबख्श अहमद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी मेनिन में से कौन सा मेला लोकप्रिय है? तो इसमें आंसर आएगा बेरी में पशु मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से हरियाणा के जैन कवि है? तो इसमें आपके ऑप्शनों में से हरियाणा के जैन कवि है सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व भूमि तथा अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किसके मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा नारनौल विधानसभा क्षेत्र, बाकी पटौदी, झज्जर और बावल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी नई योजना की घोषणा की? तो इसमें आंसर आएगा घरेलू बिजली कनेक्शन योजना की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना है? तो इसमें आंसर आएगा हेपेटाइटिस सी के उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए मनमोहन सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें आंसर आएगा यह पुस्तक मुबाशिर हसन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया? तो इसमें आंसर आएगा गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गठित गो सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा गो सेवा आयोग का अध्यक्ष भनीराम मंगला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति को हरियाणा की जीवन की मुख्य धारा मिलाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा खानाबदोश जनजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है? आपके ऑप्शंस है बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, मानदेय और दुर्घटना बीमा। तो इसमें आंसर आएगा दुर्घटना बीमा इसका कोई घटक नहीं है, बाकी शिक्षित युवाओं के लिए सक्षम युवा स्कीम के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण और मानदेय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का गठन हुआ तब हरियाणा में कितने जिले थे? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे, और ये 7 जिले हैं रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 के पाठ में भागीदार राज्य निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें आंसर आएगा इसकी स्थापना 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर में की गई थी। पहले यह 2 इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, और बाद में इन्हें करनाल में 1985 में शिफ्ट किया गया था, और बाद में दोनों इंस्टीट्यूट को मर्ज करके एक सिंगल इंस्टीट्यूट बनाया गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, और यह 1995 में बनाया गया था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।
अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।